भी अपने हरियाणवी फोक, ये सिर्फ गानों में और वेशभूषा में ऐसे फंक्शन में ही बच गया। ये लेडीज बैठी हैं, ये कभी हमारा फैशन है करता हरियाणा का, कड़ी छड़कले झांझर न्योरी पाती दमन बोरले तगड़ी, वही ये वही फैशन आप लोगों के बीच में। पुराना फोक सॉन्ग बड़ा अच्छा लगेगा, किस्से की बात है, लेकिन टीचा का गाना है कि जिस टाइम पर वो रणबीर पद्मावत को झूलते हुए देखता है और एक बात के द्वारा अपने दोस्त को कल्पना करता है कि भाई किस प्रकार से पद्मावत बागों में सखियों के साथ झूल रही थी और कैसे क्या बता दिया। हाँ, मंद मंद मुस्कात सखी, झंडू क्या वार्तालाप कर रहे हो। हाँ, नजरों ने नजर से नजरों को नजर मिलाते देखा, नजरों ने नजर से चोरी चोरी नजरों को नजर चुराते हुए देखा। हाँ, अरे चंद्र तत के जिक्र करूं, अरे झंडू मैं के जिक्र करूं, भाई बात करे ते शुरू करूं, आज सखी सहेली कठी हो गए, आज सखी सहेली कठी हो गए, भाई झूल बाल री थी पड़ मैर, तो छोरी तो झूलन लाग री, वो तेरी थी झूठे चार खड़ी थी चढ़ मैं रे, तो छोरी तो झूलन लाग री। चंदर दत्त के जिक्र करूं, बात करे थे शुरू करूं, सखी सहेली कठी हो गए, होता है बूढ़ा मन की फितरत कहां बदलती है। झंडू होता है बूढ़ा मन की फितरत कहां बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। देखता चल क्या बता दिया। देसी छोरी इंग्लिश फैशन, अरे देसी छोरी इंग्लिश फैशन, हाथ में मेहंदी लाई, हसले हसली कंठी माला करने खूब सजाई, खूब सजाई, खूब सजाई, कान कबारी नाक में कोपा माथे बिंदी लाई, जब चील हार में टांगे ले जा, चील हार में टांगे ले जा, मोती चमके लर मेरी तो छोड़ी दो, ये तो छोड़ी दो, झूलन लागरी तो झूठे देवर
हमारे सॉन्ग पे खुश होकर मेरी हरियाणी फोक सॉन्ग पे, तो श्रुति मिटिया का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और 500 रुपए आए INLD यूथ प्रेसिडेंट युवा प्रधान इनेलो से सुरेंद्र धोड़ा सरपंच सराणा 500 रुपए देती है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और अगली बात ने क्या बता दिया, सोटा वाटर रजनी ने बोलो थया बात करे नैना है कोई नैना मेरे ट्रक के डिपो रेशन नैना ले रहे सतु ट्रक के डिपो बहुत है जमा रंग कहे ये जो लुगी आ कह रात ने बिल्ली की डाल चुका है मैं तन्ने को निकल रहा बात में रजनी ने कहो अच्छा हां तने उड़ते पंछी घायल कर दिए पैनिन बोल और उसको बोलिए कोई नहीं बोलेगा हाँ हाँ तने उड़ते पंछी घायल कर दिए तने उड़ते पंछी घायल जैसे मैं बोलूं तर्ज ले ले बोल तर्ज ले का बोल सुर में आ सुर में बोल ताल में तने उड़ते पंछी घायल कर दिए पैनी नैन कटी हिले मैं बोल रहा बेसिक ना भाव तो वही थे भाव नहीं देख लिया तू बोल तू कोई कुछ नहीं तू हाँ तने उड़ते पंछी घायल कर दिए पैनी नैन कटी हिले मेरे बाकी नहीं रही तू बार बार उड़ान लखा बात ठीक है तेरे पर गल गा लिया जिस मैं तू बैठ के गा लूंगा ठीक है पतली कमर जब लचका हो पतली कमर जब लचका हो पतली कमर जब लचका हो तेरा झोल पड़े सैकड़ में फिर तू क्या मेरे कलाकार की तरफ लगी होगी मेरी कलाकार लगी होगी मिर्ची जमा मरोड़ दी एक मिनट भी निशान कर जा कुर्सी छोड़ दी चल अपनी जगह ये सीखा तेरे 10 साल में कुछ नहीं सीखा हाँ पतली कमर जब लचका हो पतली कमर जब लचका हो तेरा झोल पड़े सैकड़ में करवा दो इस गोरी के लिया मेरे फेरे सुन क्या करवा
मेहर सिंह रोग कटे जब छम छम होवे बगड़ में। वो तो पहला ही होली जमार उठ लिए ईद करे खुश हो जाए वो तो घुंगरू भी फूट लिए। जल्लू मैं फौजी आदमी बोल रहा सा दिमाग कहूंगा नहीं बात का बेरा कौन मैंने सीधी तरह समझाया करता हूँ सीधी तरह समझा दिया। हाँ सीधी तरह बोल क्या कहना चाहे। मैं तो कहना बहुत कुछ चाहूँ अपना दिल बहला दूंगा सारी रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ फोन में तेरी बहू ने सुना दूंगा। अरे तो ये काम भी करने लग गया चुगल खोरे एक नंबर के। अच्छा तू गाइया तभी गुंडा। हाँ मैं तो गाइया तो गुंडा जमा में लिखा रहे है घर पर नौ बैठी रबू रे दूसरी आप बात मारे है बुजुर्ग दादाजी है ना सांग देख रखे पुराने सांग गीत संगीत सारा कुछ बदल गए अंकल जी समय के साथ चलना पड़े जैसा समय होता है उसके अनुसार ही चलना पड़ता है सभी को। वेरी गुड भाई डिमांड पूछ ले अंकल जी की क्या पूरी करेंगे कोई देसी रागिणी को सुनना चाहता हूं तो ऐसा है करमवीर यू मेरा सगा ताऊ है 90 साल के करीब हो रहा है कर्तव्य मिलेगा बाद में मिलवा देंगे। अच्छा जी ओके आई एम एग्री योर एडवाइस भाई साहब बिल्कुल मिलेंगे। मेरे रियल ताऊ जी है बहुत आदरणीय पूजनीय है अच्छा लगता है जब इनके अंदर अपने बेटे पोते से मिलने के लिए कसक है और प्यार है आपके प्रति इनके दिल में लेकिन बाद में मिलवाएंगे प्लीज कर जरूर।